धीरे धीरे चलो ना, शाम तक साथ रहेंगे। मैं तुम्हारे साथ सनसेट देखना चाहती हूँ, ये मेरी लास्ट ख्वाहिश है। चलो ना वरुण, प्लीज लास्ट टाइम। वरुण, मुझे अपने हाथ से खिला दो। तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने मुझसे प्यार क्यों किया? तुमने मेरे सारे विशेष पूरे किए। मैंने सनसेट देखने के लिए कहा, तुमने दिखाया। खिलाने के लिए कहा तो खिला दिया। तुमने कहा छोड़ दो, मैंने छोड़ दिया। अब जब मैं कर रहा हूँ तो क्या हो गया? ना ना ना, तुम सेल्फिश नहीं हो। तुम्हारे जैसा अच्छा लड़का मुझे अब कभी नहीं मिलेगा। अब ये सब कहने से क्या फायदा होने वाला है? किसी दूसरी लड़की को चांस देके देखो। She will be a lucky girl। क्या होगा अगर उसके माँ बाप भी तुम्हारे माँ बाप जैसे होंगे तो? तो प्लान सी, उसको लेके भाग जाना तुम। क्या हम नहीं भाग सकते हैं? अरे कहाँ ना, मेरा मोबाइल दो। Shall I kiss you? Last time? तुम्हारी मम्मी का फोन है। हेलो अम्मा, माँ, मैं वरुण के साथ भाग रही हूँ। वापस कभी नहीं आऊंगी। ऐसे ही साथ रहोगी ना हमेशा? कुछ टाइम के लिए ऐसे ही रहूंगी, उसके बाद तुम अपना वाला काम करोगे। मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब था कि हमेशा ऐसे ही रहेंगे ना। क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो पता नहीं, लेकिन आज रात के बाद हमेशा के लिए एक दूसरे के दिल में रहेंगे। तुम ठीक से हाँ नहीं बोल सकती हो ना? नो। कहीं गलती से तुम्हारे अंदर की समझदारी तो नहीं जग जाएगी? मतलब तुम्हारा प्यार जगेगा। सपनों में न सोच ले रहनी कि हमार बेटी ऐसा काम करी। दोनों का नंबर स्विच ऑफ है, पुलिस को फोन करना चाहिए। नारायण जी, वो लोग मिसिंग नहीं है, भाग गए हैं वो लोग। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, पुलिस हमारी बेटी के पीछे पड़ जाएगी। और तो और, वो अपनी मर्जी से भागी है ना, इसलिए अच्छा होगा कि हम लोग उसे भूल जाते हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? वो हमारी बेटी है। आप लोग पुलिस को फोन कीजिए। अब बहुत देर हो गई है, अगर इस तरीके से वापस बुलाएंगे तो भले ही वो हमारे सामने बड़े हुए हैं, बाकी उनके अंदर होने वाले बदलाव को हमने नहीं देखा है। सिर्फ उनके बढ़ते हुए कपड़ों का साइज देखा है हमने, बाकी उनके भावनाओं को नहीं देख पाए। ठीक है, उसकी मर्जी। अगर हमने टांग अड़ाया और वो लोग कुछ गलत कर लेंगे तो भगवान न करे कुछ हो जाए तो हम लोग एक खराब माँ बाप कहलाएंगे। खराब माँ बाप? आपके कहने का मतलब क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे सिर्फ हमारी बेटी वापस चाहिए। जवानी के दिन में तुम लोग कैसे थे ये शायद भूल गए। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या मैं भी भाग गया था? क्या हम लोग अपने लिमिट में नहीं थे?
हम लोग भी कॉलेज पढ़ने गए थे। हमने तो भाग की शादी नहीं की, वहीं पे शादी किया जहां आप लोगों ने तय किया था। लेकिन वो भी अपने मर्जी से नहीं किए। मैं जो कहता गया वो तुम करते गए। कभी एक बार भी नहीं कहा कि मैंने ऐसे ऐसे फैसले लिए हैं और मैं ऐसा करना चाहता हूं, ये कभी नहीं कहा। तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन मेरे बच्चे मेरे जैसे ही बनने चाहिए, हमारे दिखाए रास्ते पर ही चलने चाहिए। यह सोचना गलत है, और वो तुम लोगों के कारण ही दुनिया में है। तुम्हारा काम ये नहीं कि तुम उन लोगों के सपनों के बीच में आओ। तुम लोगों को तो ऐसी घड़ी में उन लोगों की मदद करनी चाहिए। ट्रांसफर कर देती हूँ। और नौकरी का क्या वरुण? पता है, अगर नौकरी चली गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज कुछ दिन के लिए मैनेज कर लो। बॉस से कह दो कि घर में कुछ इमरजेंसी है, मैं वापस आते ही सब ठीक कर दूंगा। ओके, मैं कुछ दिन के लिए मैनेज कर लूंगी। मगर तुमने पहले ही बहुत सारी छुट्टी ले ली है, और कितने दिन ऐसे ही चलेगा तुम्हारा फ्यूचर? मालूम नहीं गौरी, मैं ही कोई रास्ता निकालूंगा। तुम पहले अपने भविष्य के बारे में सोचो, और पैसा सोच समझ के खर्च करना। मैं घर खरीद रही हूँ, ईएमआई भरना पड़ेगा। मैं आगे से तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। थैंक्स गौरी, बाय बाय। आज से पहले मुझे इतनी आजादी कभी नहीं मिली थी, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। थैंक यू सो मच। आज तक मैं ये सोच के डरती थी कि कहीं कोई जान पहचान वाला ना देख ले, लेकिन वो डर हमेशा के लिए खत्म हो गया है। जानते हो वरुण, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या हुआ वरुण? कुछ नहीं। तुमने घर कॉल किया था? हाँ। ऑफिस में फोन किया था? नहीं। पैसे का प्रॉब्लम है क्या? हम लोग प्यार में घर से भागकर यहाँ तो आ गए, लेकिन प्यार कोई खेल नहीं है, आगे बहुत प्रॉब्लम होगा। चलो घर वापस चलते हैं। मैं समझती हूँ, सच सच बताओ, हम लोग वापस चले क्या? मुझे पूरा दुनिया देखना है, मरने से पहले जीना चाहती हूँ, लार्जर देन लाइफ जीना चाहती हूँ। यही मेरा सपना है, यही मेरा ख्वाब है।